जिनके लिए महावतार बाबा युक्तेश्वर गिरी जी से कह रहे हैं कि भविष्य में एक शिष्य मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, जिसको तुम तैयार करोगे, योग में प्रशिक्षित करोगे, और जो विदेश जाएगा, अमेरिका जाएगा, यूरोप जाएगा, और वहाँ बहुत सी आत्माओं को जगाएगा जो संत बनने के लिए तैयार बैठी है, बस उनको कोई चोट की ज़रूरत है, कोई चोट करने वाला चाहिए, और वो चोट करने वाला तुम तैयार करोगे, और इसीलिए तुम यहाँ आए हो, हमारी ये मुलाकात भी इसीलिए हुई। इसके बाद महावतार बाबा ने उनसे एक बात और कही कि मेरी आपसे एक और विनती है स्वामी जी, कि आप एक और काम अपने हाथ में ले लें, कि आप हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की किताबों के बीच जो समानता है, जो धार्मिक मतभेदों के कारण लोग देख नहीं पाते हैं जबकि बातें एक जैसी है, उस पर आप एक किताब लिखें, क्योंकि मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, उसके ऊपर आप एक छोटी सी किताब लिखें। ऐसा माँ अवतार बाबा ने उनसे कहा, युक्तेश्वर गिरी जी से, कि आप ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच में जो समानताएं हैं उसके ऊपर आप एक किताब लिखें, क्योंकि जो मूल बात है वो तो एक ही है, लेकिन धार्मिक मतभेदों के कारण उसको हम देख नहीं पाते हैं। मित्रों, इन सब बातों के बाद में इस मधुर भेंट से विदा लेने का समय हो गया। फिर इसके बाद महावतार बाबा ने कहा कि तुम लाहिड़ी को जानते हो ना, वो महान आत्मा है, तुम उसे मेरा ये संदेश दे देना। फिर उन्होंने एक संदेश उनको दिया और कहा कि तुम हमारी जो मुलाकात हुई है, हमारी जो भेंट हुई है, इसके बारे में तुम उसको बता देना। और उसके बाद बाबा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और मित्रों, इसके बाद जब युक्तेश्वर गिरि जी उनके चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर रहे थे, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी ये किताब पूर्ण हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। इस बात का वचन देकर वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। मित्रों, अगले दिन प्रयाग को छोड़कर रेलगाड़ी पकड़कर जब अपने गुरु के पास गए, लाहिड़ी महाशय के पास, और उन्होंने इस संत से उनकी भेंट के बारे में सारी बात बताई, लाहिड़ी महाशय मुस्कुराने लग गए और बोले कि अरे तुम तो बाबा जी से मिल लिए। जब उनको ये पता चला ना कि वो बाबा जी थे, वो महावतार बाबा थे और कोई नहीं थे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बोले कि अरे यार, मैं महावतार बाबा से मिला। मतलब आप समझ रहे हैं, उनको उस वक्त तक पता नहीं था कि वो महावतार बाबा हैं। जब उन्होंने इस भेंट के बारे में अपने गुरु से चर्चा की, उनको बताया, तब लाहिड़ी महाशय ने कहा कि तुम्हें महावतार बाबा ने दर्शन दिए, लेकिन अलग रूप में दिए, तुम उनको पहचान नहीं पाए, और ऐसा उन्होंने खुद चाहा होगा कि तुम उनको ना पहचानो उस वक्त वहाँ पे, इसलिए तुम उनको नहीं पहचान पाए। फिर वो युक्तेश्वर गिरि जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, मैं तो महावतार बाबा से मिला, काश मुझे उस वक्त पता होता कि वो महावतार बाबा ही है, तो मैं तो आता ही नहीं उनके पास से वापस, वो तो उनके पास ही रहता। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहचानने से रोक दिया था। वही तो मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु बाबा जी हैं, वही महावतार बाबा हैं। मित्रों, ये सुनकर युक्तेश्वर गिरि जी श्रद्धा और विस्मय से विभोर हो गए। योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारण हार बाबा जी, काश मैं आपको उस वक्त पहचान लेता तो मैं आपके चरण कमल की सेवा और अच्छे से करता। काश मैं अतीत को फिर अपने सामने ला सकता। काश वो समय वापस आ जाए, एकदम से वो अतीत में मैं वापस लौट जाऊं, ऐसा वो कहने लगी। फिर उसके बाद लाहिड़ी महाशय ने उनको सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें उन्होंने मिलने का वचन दिया है ना, तो निश्चिंत रहो, वो तुमसे वापस मिलेंगे। अगर उन्होंने वचन दिया है तो वो बिल्कुल मिलेंगे। तुम्हारी वो किताब जब पूर्ण होगी तो वो बिल्कुल तुम्हें दर्शन देंगे, तुम निश्चिंत रहो। मित्रों, इसके बाद युक्तेश्वर गिरि जी ने वो संदेश सुनाया जो महागुरु ने गुरुदेव के लिए दिया था, जिसमें क्या लिखा था सुनिए ध्यान से। मित्रों, उसमें लिखा था कि लाहिड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति अब बहुत कम बची है, लगभग समाप्त हो चुकी है। युक्तेश्वर गिरि जी के मुंह से निकले अपने गुरुदेव के इन गूढ़ वचनों को सुनकर लाहिड़ी महाशय की देह कांप गई और ऐसा लगा जैसे उनको बिजली छू गई। पल भर के लिए वो बहुत भयंकर तरीके से कांप गए। उनका सदैव मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया और वो काठ की मूर्ति की भांति हो गए। बहुत ही गंभीर और निश्चल बनकर वो अपने आसन पर बैठे रहे। मित्रों, उनके शरीर का रंग एकदम उड़ गया। ये सब देखकर युक्तेश्वर गिरि जी भी भयभीत हो गए और चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने अब तक के जीवन में इस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते हुए कभी नहीं देखा था। जिस प्रकार लाहिड़ी महाशय उन वचनों को सुनकर गंभीर हो गए थे, निस्तब्ध हो गए थे, काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और कठोर हो गए थे, इस तरह उन्होंने उनको कभी नहीं देखा था। मित्रों, ये सब देखकर वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी बहुत व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। मित्रों, लाहिड़ी महाशय को उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए और फिर उसके बाद वो वापस उसी तरह मुस्कुरा रहे थे जिस तरह वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं।
और उसके बाद उन्होंने वहाँ उपस्थित अपने प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बात की और सभी ने चैन की सांस ली। मित्रों, युक्तेश्वर गिरिजी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव की इस प्रतिक्रिया से यह समझ गया कि बाबा जी के उस संदेश में एक निश्चित संकेत था कि लाहिड़ी मासी अपनी देह त्यागने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें ये संदेश था। मित्रों, यहाँ पर एक बात बहुत समझने जैसी कि महावतार बाबा और लाहिड़ी मासी दोनों ही सर्वज्ञ थे। उन दोनों को एक दूसरे को संदेश देने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं थी। कोई थर्ड पर्सन उनके बीच में आए और वो एक दूसरे को मैसेज भेजें या समझाएं या संदेश भेजें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों सर्वज्ञ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युक्तेश्वर गिरी जी को वो संदेश दिया और कहा कि तुम लाहिड़ी को ये बता देना। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मित्रों, इसका कुल कारण इतना सा है कि महान आत्माएं कितनी बार मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती है, बाकी उनको कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने बस उनको दिया। ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए ये बताया है। मित्रों, यदा कदा ही ऐसी महान आत्माएं साधारण तरीके से संदेशवाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियों को संप्रेषित करती है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। ये उन बहुत कम में से एक ऐसी बात थी जो हुई है। और ऐसी महान आत्माएं यदा कदा ऐसा इसलिए करती है जब निकट भविष्य में वो भविष्यवाणियां साकार हो तो लोग जब उनके बारे में पढ़ें या जानें तो ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा और अगाध हो और गहरी हो, इसीलिए वो यदा कदा ऐसा करते हैं, बाकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। उन दोनों के बीच, वो तो दोनों सर्वज्ञ, उन दोनों के बीच कोई मैसेज भेजने के लिए या संदेश देने के लिए किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है ही नहीं, ये समझाना चाह रहा हूँ। मित्रों, इसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी काशी से निकलकर श्रीरामपुर आ गए और अपने उस कार्य में लग गए जो उन्हें महावतार बाबा ने सौंपा था कि तुम बाइबल और हिंदू धर्म ग्रंथों के बीच में जो समानता है उसके ऊपर एक किताब लिखो। और उन्होंने जल्दी ही वो किताब लिख दी जिसका नाम था द होली साइंस। मित्रों, युक्तेश्वर गिरी जी अपनी द होली साइंस किताब को पूरी करके अगले दिन जब गंगा स्नान के लिए रायघाट पहुँचे और स्नान करके वो नदी से बाहर निकले और वो थोड़ा आगे चले तो उनका मन हो रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। बार बार ये इच्छा हो रही थी, वो आगे बढ़े जा रहे थे, उनके मन में इच्छा हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक वट वृक्ष के नीचे अद्भुत शिष्य मंडली बैठी है जिसके बीच में एक संत बैठे हैं जिन्होंने उनको आवाज़ लगाई, स्वामी कैसे हैं आप? और मित्रों, इस तरह जब परम गुरु की मधुर आवाज़ उनके कानों में गूंजी, नमस्कार स्वामी जी, तो उन्हें यकीन हुआ कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, सच में महावतार बाबा यहाँ बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ में। वो उनके पास गए, उनको साष्टांग दंडवत किया और उनके चरणों की सेवा की और वो वहाँ बैठ गए। फिर महावतार बाबा ने आगे कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मित्रों, इसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी आगे कहते हैं कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी धड़कने बहुत तेज थी और उनके चरणों में साष्टांग लेट गया और उनको प्रणाम किया और अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए कहा कि परम गुरुदेव, मेरा घर नज़दीकी है, आप अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ पहुँचकर उसको पावन कीजिए। लेकिन मित्रों, परम गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि नहीं बेटा, हमें ये वृक्षों की छाया ही रास आती है, हम यहीं आराम से हैं। मित्रों, ये सुनकर युक्तेश्वर गिरिजी ने कहा, परम गुरु महाराज, तब तो आप थोड़ी देर के लिए यहीं ठहर जाइए, मैं कुछ ही देर में मिठाई लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। और मित्रों, इसके कुछ मिनटों बाद जब युक्तेश्वर गिरिजी मिठाइयों का थाल सजाकर उस वट वृक्ष के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो दिव्य मंडली वहाँ से ओझल हो चुकी है, अंतर्ध्यान हो चुकी है, जैसे पंछी आए और हवा में उड़ गए। मित्रों, ये देखकर युक्तेश्वर गिरिजी के मन को बहुत गहरा आघात लगा और उन्हें मन ही मन बहुत, मतलब वो चिढ़ गए, बहुत उनको अजीब लगा कि अगली बार जब बाबा जी मिलेंगे तो मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा रुष्ट व्यवहार किया, मैं तो उनके लिए मिठाई लेकर आ रहा था और वो यहाँ से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, ये बाबा जी ने अच्छा नहीं किया। उनको मतलब बहुत अजीब लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, युक्तेश्वर गिरी जी को ये सही नहीं लगा, उनके हिसाब से उनको वो सही नहीं लगा। तो वो उनका मन जो है खिन्न हो गया कि गुरुदेव कैसे चले गए, मैं तो मिठाई लेने गया था और यहाँ से चले गए। और मित्रों, काशी में जब वो गंगा स्नान करके अपने गुरुदेव के घर पहुँचे लाहिड़ी मासी के, और लाहिड़ी मासी के कमरे में पहुँचे तो लाहिड़ी मासी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आओ युक्तेश्वर, अभी अभी मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर तुम्हारी बाबा जी से भेंट हुई। नहीं नहीं, क्यों? उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा। तो फिर लाहिड़ी मासी ने कहा कि इधर आओ। जब उनके पास गए तो लाहिड़ी मासी ने उनके सर पे हाथ रखा तो उन्होंने देखा पूर्ण कमल की तरह खिले हुए बाबा जी उनके सामने प्रकट हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत अजीब बात हुई कि बाबा जी को देखकर युक्तेश्वर जी को अपना पुराना दुख याद आ गया, कैसे वो मिठाई लेके आए थे और बाबा जी अंतर ध्यान हो गए, तो इस बात से वो नाराज थे तो उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। जब लाहिड़ी मासी ने ये सब देखा तो वो चकित होकर उनको देख रहे थे कि बाबा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ईश्वर तुल्य
दृष्टि से जब बाबा जी उनकी तरफ देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे नाराज हो। क्यों नहीं होऊंगा महाराज, आप हवा में ही अपनी जादुई मंडली के साथ वहाँ अवतीर्ण हुए और हवा में ही वहाँ से गायब हो गए और मैं वहाँ खड़ा ही रह गया मिठाई का थाल लेके। मित्रों, इसके बाद महावतार बाबा ने कहा कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे कितनी देर के लिए मिलने आऊँगा। मित्रों, बाबा जी ने अपने सारे ये वचन बड़ी सौम्य हंसी के साथ कहे। तुम बहुत उत्तेजित हो गए थे और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे वहाँ से विलुप्त कर दिया। मित्रों, बाबा जी के इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से युक्तेश्वर गिरी जी एकदम संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। परम गुरु ने बड़े ही स्नेह के साथ उनके कंधों को थपथपाया और उन्होंने आगे कहा कि अधिक से अधिक ध्यान करो बेटा, तुम्हारी दृष्टि अभी भी निर्मल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे वहाँ देख नहीं पाए। और स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में शब्द कहते ही बाबा जी वहाँ से गुप्त तेज में अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इसके बाद अपना कथन समाप्त करते हुए युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद जी से कहा कि मेरी गुरु दर्शन की वो काशी की अंतिम यात्रा थी। जैसा कि कुंभ मेले में बाबा जी की गई भविष्यवाणी के अनुसार लाहिड़ी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत अब निकट आ रहा था। मित्रों, 1895 की ग्रीष्म ऋतु में लाहिड़ी महाशय के मजबूत शरीर में उनकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया जिस पर वो चीरा नहीं देने दे रहे थे, क्योंकि वो अपने बहुत से शिष्यों के बुरे कर्मों का भार वहन कर रहे थे और उन कर्मों को काट रहे थे। लेकिन सभी शिष्य ये जिद कर रहे थे कि इसके इलाज के लिए हमें इस पे चीरा देना ही पड़ेगा। मित्रों, इसके बाद लाहिड़ी महाशय ने बड़े ही रहस्यमय शब्दों में कहा, इस शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए, तो अब जो भी तुम लोग करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मित्रों, इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु लाहिड़ी महाशय ने बनारस में ही अपना देह त्याग कर दिया। मित्रों, इसके कई वर्ष बाद लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य जिनका नाम था केशवानंद जी, उन्होंने लाहिड़ी महाशय की देह त्याग के बारे में आश्चर्यचकित विवरण सुनाया। मित्रों, केशवानंद जी ने बताया कि शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले ही केशवानंद जी हरिद्वार में अपने आश्रम में ध्यान के अंदर बैठे थे, तब लाहिड़ी महाशय उनके गुरुदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुरंत बनारस आ जाओ। ये कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके देह त्यागने के कुछ दिन पहले की ये बात है जो केशवानंद जी युक्तेश्वर गिरी को बता रहे हैं। कुछ सालों बाद उनकी देह त्याग के आश्चर्यजनक विवरण को वो सुना रहे हैं युक्तेश्वर गिरी जी को। कौन? केशवानंद जी। मित्रों, इसके बाद केशवानंद जी ने बिना देर के बनारस के लिए गाड़ी पकड़ी और वो लाहिड़ी महाशय के घर आ गए और उन्होंने देखा कि गुरुदेव के पास बहुत से शिष्य बैठे हैं और वो गीता पर प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने घंटों गीता पर प्रवचन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े शांत शब्दों में कहा कि अब मैं अपने घर लौट रहा हूँ। ये सुनते ही सारे शिष्य फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि गुरुदेव अपनी इस देह को त्याग देंगे। मित्रों, अपने सभी शिष्यों को फूट फूट कर रोता देख गुरुदेव उठे और बोले कि शांत हो जाओ, मैं फिर से जी उठूंगा। और वो अपने आसन से खड़े हुए और उन्होंने तीन प्रदक्षिणा लगाई, खुद की ही तीन प्रदक्षिणा लगाई, मतलब तीन बार वो गोल घूमे। मित्रों, तीन बार गोल घूमने के बाद वो उत्तर दिशा की ओर पद्मासन लगाकर बैठ गए और मित्रों उसी स्थान पर पद्मासन में बैठे बैठे उन्होंने परमानंद में लीन होकर महासमाधि में प्रवेश किया और अपनी देह को त्याग दिया। मित्रों, यहाँ पर तीन बार प्रदक्षिणा करना और उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठना इस बात का घोतक है और ये ऐसा वही सिद्ध संत करते हैं जिनको अपनी मृत्यु के क्षण का ज्ञान होता है। उनको पता चल जाता है कि अब वो क्षण आ गया है जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, तो उस वक्त वो खुद की ही तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं और परमानंद में लीन होकर अपने शरीर को मां समाधि में लीन कर देते हैं। और उस अंतिम ध्यान में जब सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है या कि कहें कि समाधिस्थ हो जाता है, तो उसे महासमाधि कहते हैं। मित्रों, भक्तों को सदैव प्रिय लगने वाले लाहिड़ी महाशय के सुंदर शरीर को उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने और परिवार वालों ने पवित्र गंगा के तट मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोचित विधि से दाह संस्कार किया। मित्रों, इसके बाद केशवानंद जी आगे बताते हैं कि अगले दिन जब वो अपने कमरे में थे तो उसमें एक उज्ज्वल प्रकाश भर गया और लाहिड़ी महाशय अपनी भौतिक देह के रूप में उनके सामने खड़े थे। और केशवानंद जी आगे कहते कि मेरे दिव्य गुरु लाहिड़ी महाशय ने मुझसे बात भी की। उन्होंने आगे कहा कि केशवानंद, ये मैं ही हूँ। अपने भस्मीभूत हुए शरीर के विघटित अणुओं से मैंने इस नए शरीर की सृष्टि की है। मित्रों, आगे उन्होंने कहा कि इस संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन मैं इस पृथ्वी को अभी पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद केशवानंद जी आगे बताते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि इसके बाद मैं महावतार बाबा के साथ हिमालय में वास करूंगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा। यह कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए लाहिड़ी महाशय। केशवानंद जी आगे कहते हैं कि इसके बाद मुझे आशीर्वाद देकर अलौकिक गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मेरा हृदय अद्भुत प्रेरणा से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ जैसा ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु की शारीरिक मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर हुआ था।
मित्रों, 16वीं शताब्दी में अत्यंत महान गुरु कबीरदास जी हुए, और जब उन्होंने महासमाधि ली और अपनी देह त्यागने लगे तो मित्रों कबीरदास जी के जो शिष्य थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनकी देह त्यागने पे वो सब आपस में विवाद करने लगे। हिंदू बोलने लगे कि हम तो इनका अंत्येष्टि कर्म करेंगे, और मुसलमान शिष्य बोलने लगे हम तो इनको दफनाएंगे। और मित्रों इस तरह कबीरदास जी के हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में आपस में विवाद छिड़ गया। और मित्रों इस सबसे व्यथित होकर कबीरदास जी अपनी महान निंद्रा से उठ गए। मित्रों कबीरदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी आधी पार्थिव देह को मुस्लिम रीति से दफन कर दो और मेरी आधी पार्थिव देह को हिंदू रीति से दहन कर दो। तो मित्रों इसके बाद कबीरदास जी अंतर्ध्यान हो गए, और जब शिष्यों ने कफन को हटाया तो उसके नीचे सिर्फ फूल थे। तो आधे फूल मुस्लिम शिष्य ले गए और उन्होंने मगर करके एक जगह वहाँ पर उनको दफनाया और वहाँ पर उनकी मजार बनाई। और हिंदू शिष्य जो थे वो उनके आधे फूलों को ले गए और उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और वहाँ पर भी समाधि बनाई। दोनों जगह इस्टेब्लिश है, वहाँ पर लोग आज भी जाते हैं। तो मित्रों ये था जो आज हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में, बड़ा ही अद्भुत था, बहुत अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू, जय भवानी।